फार्मिंग बाबा चैनल देख रहे सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, एक और बकरी मेला नया लगने शुरू हो चुका है मानसा कैंचियों पर। ये मंडी जो लगनी शुरू हुई है, ये जो जगह है, ये तस्वीर दिखा देता हूँ मैं। इस पूरी जगह पे जो मेला शुरू हो चुका, क्या कुछ तारीख है, किस तरह के अरेंजमेंट हैं मेले में, बात करेंगे। हमारे साथ मैनेजमेंट के ही एक भाई हैं, हरप्रीत सिंह। हरप्रीत जी, स्वागत है फार्मिंग बाबा चैनल में। सत श्री अकाल जी, स्वागत जी, बहुत बहुत छोटा भी स्वागत है जी। हरप्रीत जी, बताओ जरा किस क्या सोच के मतलब बकरी मेला शुरू किया? अपने तो यह सोच के शुरू किया जी भी वधिया अपना जिहड़ा माल भी वधिया सेल होवे, वधिया परचेज करन लोग, चंगी क्वालिटी लैन, चंगी क्वालिटी मन जो चंगी क्वालिटी की कम करन, मतलब बकरी पालक भाई हैं उन्हें हेल्प हो सके। हाँ जी हाँ जी, हेल्प हो सके। जिमें मान चलो बाहर के व्यापारी ने आते हैं गे, अपना इतने आवगे, इतों वधिया वधिया पैसे ला के बकरियां लैके जाएंगे, बकरे लैके जाएंगे, ना उन्होंने 2 रुपये बनने, ना इन्हों बनने बइया, ना आपां नूं, सब होगा। तो बाकी अपने लिए सारी मैनेजमेंट का पूरा फुल प्रबंध है जी। हाँ जी, अच्छा अच्छा हरप्रीत जी, चलो बढ़िया है, मेला शुरू किया, शुभकामना हमारी भी। ये बताओ मेले के अरेंजमेंट किस तरह के है, मतलब क्या कुछ खाने पीने, टॉयलेट से लेके क्या कुछ? मेले का सारा अरेंजमेंट है जी, टॉयलेट का भी है, खाने पीने का भी है। एक साइड तंदूर चल रहा है, उधर रोटी चल रही है नाल, ते नाल दाल सब्जी, बढ़िया प्रबंध है, पानी साफ। तो बाकी जो कोई बाहरला व्यापारी आता या कोई भी इतों का जेड़ ने माल लेना है नाल, खाने बनाए हुए हैं अपने सारे, ये तुम दिखा दो। तो बिल्कुल मैं साथ ही साथ दिखाते जाऊंगा ये जो पोर्शन है। हाँ जी, ये पोर्शन च लैके माल जी अपना अपना खड़ा भी सकते हैं आप। हाँ जी, बाकी जो कोई बाहरला व्यापारी आता है उन्होंने रहने वास्ते मेरे फार्म से थां भी हैगी, 3 रूम ने, वॉशरूम नाल माल रखने वास्ते भी थां हैगी, मतलब 250 जानवर मौजना रहूगा। हाँ जी, मतलब उनके रहने के लिए प्रबंध, खाने पीने के लिए, अगर कोई बाहर से आता भाई है ना, अगर कोई पूना महाराष्ट्र आंध्रा, हाँ जी पूना महाराष्ट्र जहाँ से भी आएंगे हम, हमारे तरफ से कोई कमी नहीं आएगी उनको, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो हमारी मंडी में आपको कमी पेशी, इनको भाइयों को बोला है, जो भी कमी पेशी नजर आती है हम धीरे धीरे दूर होती जाएगी। सही, हाँ सही करेंगे। अच्छा, तो ये टाइम क्या कुछ होने वाला है और दिन कौन सा है ये कुछ? ये हमारा हमने कैलेंडर जारी किया है अपना, और 31 जनवरी को हमारा नेक्स्ट मेला होगा, उस पर भी कंपटीशन करवाएंगे, इस बार भी हुए थे। आज संडे था, नेक्स्ट संडे छोड़ के उससे नेक्स्ट आएगा जो, उसमें मंडी लगेगी, एक संडे छोड़ कर नेक्स्ट संडे में मंडी लगा करेगी। अच्छा भाई, थोड़ा लोकेशन समझा दो, कौन सी लोकेशन? मानसा शहर है, मानसा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब स्टेट, और मानसा कैंचियाँ जिहड़ियां ने बड़ियाँ अपनियाँ, उत्थ बरनाला रोड के बिल्कुल नाल है जी। हाँ जी, सरकारी ITI बिल्कुल नाल आ गई, उसके नाल ही अपना सारे। अच्छा, आज ये बताओ कैसा रहा मेले का दिन, है ना कैसे? हाँ जी, अज वैसे मौसम खराब सीगा, सानू ऐ सीगा भी माल घट होगा, सेल परचेज भी घट ही होगा, वैसे हूँ वधिया रहा, माल आया भी बहुत सीगा, आया सीगा 700-800 का आया सीगा, तो बाकी सेल परचेज भी वधिया होए नेगे। हाँ जी, अच्छा कितने सुबह कितने बजे से शुरू होगा? रुक जाओ मेरे भाई, जाना मत, आपसे भी बात करेंगे थोड़ा, तो बताओ कितने सुबह से लेके शाम तक कितना? सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था मेला जी, और शाम के 5 बजे तक फिनिश हो गया। तो मतलब आगे भी यही टाइम रहेगा? हाँ जी हाँ जी, यही टाइमिंग रहेंगी, और अगर हम और मुकाबले, बड़े मुकाबले कराएंगे तब हम लाइट का सब बंदोबस्त है, और तब रात भी हो सकती है, चुवाई मुकाबले हो गए जैसे बकरियों के चुवाई मुकाबले, उसमें अच्छे नाम रखेंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छे, अंकल भी एक यहाँ बकरियाँ लेकर आए थे। अंकल कैसा लगा मेला, कितना बढ़िया था पूरा? बहुत बढ़िया मेला लगा जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत खाने पीने का भी अच्छा मिला, सब कुछ बढ़िया अच्छा मिला। बिल्कुल बिल्कुल काफ़ी अच्छा। अच्छा भाई ये बताओ कि मेला कैसा लगा, मतलब बढ़िया था है ना, जानवर काफ़ी सेल परचेज हुए? मेला तो बहुत बढ़िया था, नज़ारा आ गया देखने के लिए। और दूसरे किसान भाई हैं जो बकरी वाले, उन्हें क्या कहना चाहोगे? आना चाहिए, रोज ही आओ, जब ये मेला लगे आप ज्यादा तो ज्यादा बद के आओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाई आप भी बकरियां लेकर आए थे? बढ़िया, नहीं नहीं हम तो देखने आए थे। अच्छा, देखने आए थे, चलो बढ़िया, काफी अच्छा जो मेला रहा, काफी बकरियां सेल हुई, परचेज हुई, बीटल किस्म और भी अलग अलग बरबरी में है और जो भी किस्में हैं यहाँ पर पहुँची। तो भाइयों आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर हाजिर होंगे नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।